पूरे देश में गरबे और डांडिया की धूम मची है और मुंबई के गरबे और डांडिया की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मुंबई से सटे भाईंदर में स्थित हवेली में मधुमोहन जनसेवा समिति और धनवंतरी महिला मानव सेवा मंडल की तरफ से गरबे का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। तो वहीं इस मौके पर स्थानीय नगर सेविका भी मौजूद थी। तो आइए सुनते हैं इस गरबे को लेकर यहाँ के आयोजकों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हर वर्ग के स्त्री पुरुष समानता के साथ इस गरबा में भाग ले रहे हैं और अपने आप में एक केयर कर रहे हैं कि कोई भी घटना न घटे और अच्छा एक अच्छा सामाजिक संदेश से जाता है, उससे एकता का एक सामाजिक संदेश जाता है। फिल्म के भी नेता हमारे बीच में आने वाले हैं। ये भैया बंद रखे देखिए, यहाँ पे समानता से स्त्री पुरुष दोनों ही मिलके यहाँ पे गरबा रास कर रहे, इससे कोई हादसा ना हो जाए, स्त्रियों का सम्मान मिले, कोई भी ऐसा घटना ना घटे कि जिसमें स्त्रियों का अपमान हो। लेकिन यहाँ का जो परिसर है, यहाँ के सब मतलब जो भी मेरे कार्यकर्ता है वही केयर करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे किसी को कुछ मतलब नुकसान ना हो जाए। नवरात्रि के दौरान मैं यही शुभकामना देना चाहूँगी कि बड़े ही भावुकता के साथ में लोग उपवास रखते हैं और पैर में कुछ नहीं पहनते हुए भी 9 दिन पूरा सफ़र करते रहते हैं। माता रानी के सामने मैं यही याचना करूँगी कि उनके घर में सुख शांति समृद्धि और जीवन उनका आरोग्यमय बने। मेरी शुभकामनाएं पहले सभी भक्तों को जो आए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं, माता की चौकी माता के माता टेकने आए। और दूसरा, ये मैडम हर बार अकेले ही करते हैं तो इस बार भी वो कर रहे, तो ये पूरा जो क्रेडिट है ये मैम को ही जाना चाहिए, इसमें हमारा कुछ लेने देना नहीं, पूरा क्रेडिट मैम को ही जाना चाहिए। ये तो ऊपर माता रानी की बोला उन्होंने तो कई कर रहे हैं, ये तो माता रानी की कृपा है जो 11 बजे तक हो रहा है, इसमें भी हमारा कोई हमने कुछ ऐसा देखिए। मेरा आपसे फिर यही एक ही जवाब होगा, जो भी हुआ है माता रानी की कृपा से हो रहा है, इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं है। अच्छा मैडम, 9 दिन का गरबा होता है, 9 दिन का गरबा होता है, स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या धमाल हुआ है और होने वाला है, आने वाला 4-5 दिन और बाकी है, किस तरह का फेस्टिवल रखा, जैसे हम डांस गरबा रखते हैं, फैंसी ड्रेस रखते हैं, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? हर दिन तो बख्शीश रहता ही है और आखिरी दिन में सब बच्चों को जो 5 साल के नीचे सब जो भी बच्चे हैं इसमें एंजॉय करते हैं, उन पार्टिसिपेंट होता है, सबको गिफ्ट दिया जाता है। अच्छा, आज की अगर बात करें आज किसी को गिफ्ट देने वाला है तो गिफ्ट किस चीज़ के लिए आप गिफ्ट देने वाले? गिफ्ट तो देखो, स्टार्ट से एंड तक पूरा एंजॉय करके जो इसमें गरबा रास कर रहे हैं वेशभूषा के साथ में, उनको ही ध्यान देके देखो, हर इसमें तो हर अपना अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स देके बहुत एंजॉय अपने आप में एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा वेशभूषा के साथ में जो गरबा रास कर रहे हैं उनको प्राइज दिया जा रहा है। सामाजिक दृष्टा सोचते हुए हम लोगों ने लकी ड्रॉ बम्पर लकी ड्रॉ का एक आयोजन किया है, 22 दिसंबर को उसका वितरण होगा, बख्शीश ड्रॉ का वितरण होगा, सॉरी बख्शीश ड्रॉ का वितरण होगा, तो उसके लिए 300 से ज़्यादा प्राइजेस है और उसमें से अगर फंड कोई बचता है तो यहाँ के परिसर के माध्यम से कुछ सोचते हुए बाद में हम लोगों का मंडल बैठ के डिसाइड करेगा और सामाजिक दृष्टि कुछ उसके बारे में सोचा जाएगा। गरबा के पंडाल में हमेशा उनके लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए एक सेलिब्रिटी हो या फिर अभिनेता या नेता का आ जाए, तो इस मंच पे की आशा है टीवी सीरियल
सीरियल के काफ़ी अभिनेता वगैरह उनको बोला गया है, तो अभी देखते एक एक सामने सस्पेंस है, एक एक सामने आते जाएंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।